और आज हम देखने जा रहे हैं नेस्टेड फॉर लूप। तो ये फॉर लूप का दूसरा पार्ट है। फॉर लूप पता है हम क्या होता है? फॉर लूप, जैसे फॉर लूप क्या होता है अपना, फॉर फिर इनिशियलाइजेशन करते हैं हम कुछ भी चीज़ वैल्यू यहाँ पे, फिर उसके बाद कंडीशन लिखते हैं यहाँ पे, फिर उसके बाद इंक्रीमेंट या तो डिक्रीमेंट, कुछ भी चीज़ इंक्रीमेंट या तो डिक्रीमेंट। फिर उसके अंदर आता है स्टेटमेंट, जो भी स्टेटमेंट हमें रन करना होता है। तो जितने कंडीशन जब तक ट्रू रहेगा तब तक स्टेटमेंट मेरा रन होते रहेगा। ये मेरा फॉर लूप था सिंपल, ठीक है। तो अभी नेस्टेड फॉर लूप क्या होता है? नेस्टेड फॉर लूप होता है एक फॉर लूप के अंदर दूसरा फॉर लूप, तो उसको नेस्टेड फॉर लूप बोलते हैं। तो ये कहाँ पे यूज़ होता है? ज़्यादातर वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे हमें रो और कॉलम की बात होगी, वहाँ पे नेस्टेड फॉर लूप हमें यूज़ करना होता है। एक एग्जांपल के थ्रू समझें तो ज़्यादा अच्छे समझेगा। पहले मैं उसका वो लिख देता हूँ, डेफिनेशन क्या है। तो फॉर लूप मैंने यहाँ पे लिखा, कोई भी इनिशियलाइजेशन किया, फिर उसके बाद कंडीशन दिया, फिर या तो इंक्रीमेंट या तो डिक्रीमेंट किया जो भी चीज़, फिर उसको ओपन किया, इसको यहाँ पे ओपन किया। फिर ये ओपन करने के बाद इसके अंदर एक और फॉर लूप आ गया। फिर ये फॉर लूप जैसे ही कंप्लीट होगा फिर वो बाहर आएगा, मतलब ये वाला क्लोज मैं यहाँ पे बाहर कर देता हूँ। तो मतलब जो बड़ा वाला फॉर लूप है उसके अंदर छोटा फॉर लूप है, ठीक है। तो ये रन होगा कितने बार, एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं नेस्टेड फॉर लूप को, तो ज़्यादा अच्छे समझेगा। समझ लो मुझे रो और कॉलम का एक पैटर्न प्रिंट करना है, ठीक है। समझ लो स्टार प्रिंट करना है मुझे, स्टार 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 और स्टार स्टार और स्टार। तो इसमें क्या है, मेरा तीन कॉलम तीन रो है, ठीक है। तो जब भी रो और कॉलम की बात आएगी तभी हमें क्या करना होगा, नेस्टेड फॉर लूप यूज़ करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये लिखना होता है ऊपर, ठीक है। तो अभी यहाँ पे सबसे पहला क्या रहेगा, यहाँ पे दो फॉर लूप लगेंगे, एक कॉलम के लिए एक रो के लिए, ठीक है। तो जो रो रहेगा वो मेरा आई का रहेगा और जो मेरा कॉलम का रहेगा वो जे का रहेगा, इतना याद रखना पड़ेगा आपको। जो मेरा रो है वो आई रहेगा और जो जे है मेरा वो कॉलम रहेगा। तो यहाँ पे दो फॉर लूप लगेंगे आई और जे के, ठीक है। तो यहाँ पे अभी एन कितना रहेगा, एन तो लेने का जरूरत नहीं है, मेरा तीन रो है तीन कॉलम है डायरेक्ट। तो डायरेक्ट इंट में मैं लूँगा इंट आई कॉमा जे, इंट आई कॉमा जे ले लिया मैंने दो चीज़, ठीक है। तो अभी मुझे प्रिंट करना है तो मैं डायरेक्ट फॉर लूप लगाऊंगा इसमें। तो फॉर लूप आई में कितना फॉर लूप है, यहाँ पे एक दो तीन, तीन लाइन है यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरा फॉर लूप आएगा फॉर आई, जो ऊपर का जो लूप होगा, ये ऊपर का जो लूप होता है वो रो के लिए होता है, ठीक है, रो के लिए, और जो अंदर का जो लूप होता है वो कॉलम के लिए होता है, ठीक है। अंदर का जो लूप रहेगा वो कॉलम के लिए और जो बाहर का लूप रहेगा वो रो के लिए रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर आई इक्वल टू वन, आई लेस देन इक्वल टू थ्री, क्योंकि रो कितना है तीन है, तो तीन तक हो जाएगा, और हर बार आई प्लस प्लस करना है मुझे, ठीक है। ये ब्रैकेट ओपन किया, यहाँ पे अंदर एक और फॉर लूप आएगा कॉलम के लिए, जे इक्वल टू वन, जे लेस देन इक्वल टू थ्री, क्योंकि रो कितना है एक दो तीन, तीन तीन रो है और तीन कॉलम है, एक दो तीन, तीन कॉलम भी तीन ही है, तो इसके लिए जे लेस देन इक्वल टू थ्री, और यहाँ पे जे प्लस प्लस किया मैंने, ठीक है, ब्रैकेट ओपन किया। अब मुझे अंदर प्रिंट क्या करना है, प्रिंट मुझे करना है स्टार प्रिंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट सिंपली मैं लिखूँगा प्रिंट एफ डबल इन्वर्टेड स्टार, प्रिंट एफ डबल इन्वर्टेड स्टार, डायरेक्ट प्रिंट कर दिया। और ये वाले फॉर लूप को मैं यहाँ पे क्लोज किया, ठीक है, बाहर वाले को क्लोज नहीं किया अभी मैंने, उसका एक रीज़न है बताता हूँ आपको, ठीक है। अभी सबसे पहला काम अपना चेक करके देखते हैं, इसको रन करके देखते हैं कैसे रन होगा, ठीक है। तो आई इक्वल टू यहाँ पे वैल्यू क्या है, वन, तो वन लेस देन थ्री है वन लेस देन थ्री है, ठीक है, वन लेस देन थ्री है तो अंदर जाएगा। तो आई का वैल्यू तो वन था, अंदर गया, देख रहा है जे का वैल्यू कितना है, वन है, तो जे लेस देन थ्री है तो क्या करना है, उसको स्टार प्रिंट करना है। तो स्टार प्रिंट हुआ एक बार, फिर ये ऊपर गया जे में, देख रहा है जे का वैल्यू टू हो गया, जे प्लस प्लस था, तो टू लेस देन थ्री है तो वापस जे स्टार प्रिंट करेगा एक और बार, ठीक है। तो ऊपर जाएगा, अभी जे का वैल्यू थ्री हो जाएगा, तो थ्री लेस देन इक्वल टू थ्री है तो वापस स्टार प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। फिर अभी फोर हो जाएगा जे का वैल्यू, तो फोर लेस देन थ्री नहीं है, ठीक है, तो ये लूप के बाहर आ जाएगा। तो लूप के बाहर आएगा तो ऊपर जाएगा ये बड़े वाले लूप में, तो बड़े वाले लूप में जाएगा तो आई का वैल्यू अब कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा, पहले आई का वैल्यू वन था, ठीक है, अब यहाँ पे आई का वैल्यू टू हो गया है, ठीक है। तो टू लेस देन थ्री है तो वापस अंदर जाएगा, तो अंदर आया वापस ये, तो जे का वैल्यू वन हो गया वापस, तो वापस वन लेस देन थ्री है तो स्टार प्रिंट करेगा, स्टार प्रिंट किया। फिर वापस जे का वैल्यू कितना हो जाएगा, टू, तो वापस स्टार प्रिंट किया। फिर जे का वैल्यू हो जाएगा थ्री, तो थ्री लेस देन थ्री है, थ्री लेस देन इक्वल टू थ्री है तो एक और बार स्टार प्रिंट किया। अब फोर हो जाएगा तो फोर लेस देन नहीं है थ्री के, तो बाहर ऊपर जाएगा वापस,
आई वाले लूप में, तो आई में कितना हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, ठीक है। तो थ्री इक्वल टू थ्री है, हाँ है, तो वापस अंदर आएगा, तो ये वाला लूप वापस तीन बार चलेगा, ऐसे ही होता है, ठीक है। तो अंदर वाला लूप जितने बार चलेगा उतने बार कॉलम का चीज प्रिंट हो जाएगा, वन टू थ्री, तो अंदर वाला लूप ये तीन बार चलेगा और फिर बाहर जाएगा, फिर देखेगा कंडीशन, फिर अंदर आएगा, फिर अंदर तीन बार चलेगा, जितना लेस देन रहेगा, यहाँ पे लेस देन थ्री है तो इसके लिए तीन बार ये चलेगा। तो अभी लेकिन तीन बार प्रिंट होने के बाद वो नेक्स्ट लाइन में कैसे आ जा रहा है, नेक्स्ट लाइन में भी आना पड़ेगा ना उसको। तो एक बार प्रिंट किया, यहाँ पे वन था, एक बार प्रिंट किया, फिर एक दूसरी बार प्रिंट किया, फिर तीसरी बार प्रिंट किया, फिर चौथी बार नीचे क्यों आ जा रहे हैं, तो इसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा, एक बार प्रिंट हुआ, दो बार प्रिंट हुआ, तीन बार प्रिंट हुआ, उसके बाद जैसे ही ये बाहर आएगा ना, ये कॉलम के बाहर आएगा जैसे ही, तो यहाँ पे मैं कर दूंगा प्रिंट एफ, प्रिंट एफ स्लैश एन, स्लैश एन का मतलब न्यू लाइन, जैसे ही वो तीन बार प्रिंट करके जैसे ही वो बाहर आएगा वैसे ही वो न्यू लाइन में चला जाएगा। फिर मैं ये वाला लूप बाहर क्लोज कर देता हूँ, यहाँ पे बड़ा वाला लूप, जो ये बड़ा लूप था यहाँ पे क्लोज कर दिया, जैसे ही वो बाहर आया वैसे न्यू लाइन में चला गया, ठीक है। तो अगेन वापस अंदर आएगा, तीन बार प्रिंट होगा तो फिर वापस वो न्यू लाइन में चला जाएगा। तो ऐसे ऐसे करते करते एक बार मेरा तीन तीन का, तीन बाय तीन का पैटर्न बन जाएगा, फिर यहाँ पे गेस सी एच ऑलमोस्ट कंप्लीट होगा। तो ऐसे अगर मेरे को ये यूज़र्स के थ्रू लेना है, समझ लो यूज़र के थ्रू मेरे को रो और कॉलम लेना है, तो यहाँ पे वही डाल दूंगा, डायरेक्ट स्कैन करना पड़ेगा एन और एम। तो यूज़र से जितना रो चाहिए यहाँ पे एन लिख दो, और जितना कॉलम चाहिए उतना यहाँ पे एम लिख दो, और यूज़र से इनपुट ले लो स्कैन में एन और एम, एन में रो ले लो और एम में कॉलम ले लो, तो जितना चाहिए यूज़र को उतना चाहिए, और यहाँ पे स्टार चाहिए तो यहाँ पे स्टार लिखो, अगर यूज़र को वन वन प्रिंट करना है तो यहाँ पे वन लिख दो डबल इन्वर्टेड में, तो जैसा ही पैटर्न चाहिए वो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था नेस्टेड फॉर लूप। तो नेस्टेड फॉर लूप क्या होता है, एक लूप के अंदर दूसरा लूप, ठीक है। तो जब रो और कॉलम की बात आएगी, जब पैटर्न की बात आएगी, तो नेस्टेड फॉर लूप ही लगेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।